तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी एडिट में। आज मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा लाइटरूम से रिलेटेड कि आप ऐसे मतलब नॉर्मल फ़ोटो को कलर ग्रेडिंग करने के बाद ऐसे खूबसूरत से कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना था, ठीक है। उसके बाद मेरी जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है इस वाले टूल पे। जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इसको अपने फ़ोटो के अनुसार से एडजस्ट करना है। एडजस्ट होने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है इस नीचे वाले आइकन में, और आइकन में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको सैचुरेशन को कर देना है हल्का सा कम। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है मिक्स टूल पे। अब मिक्स टूल पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो में जो कलर है उस वाले कलर पर जाना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हो मेरा जो बैकग्राउंड का कलर है वो है ग्रीन, तो मैं जाऊँगा ग्रीन में। और ग्रीन में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यूज़ को करना है कम, सैचुरेशन को बढ़ा देना है, ब्राइटनेस को भी हल्का बढ़ा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है येलो पे, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हो चुका है येलो, तो हम जाएंगे येलो पे। और येलो पे जाने के बाद यूज़ को देना है हल्का सा कम कर, सैचुरेशन बढ़ा देना है और ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है ये ऑरेंज वाले पे, ये जो हमारा होता है स्किन टोन के लिए, तो हमको इसमें स्किन टोन देना है, तो सैचुरेशन को हल्का सा कम करेंगे और ल्यूमिनस को बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो अभी ऑरेंज टोन नहीं आया, तो ऑरेंज टोन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले सिंपल सा फ्रेंड यहाँ से करना पड़ेगा डन, और आपको जाना पड़ेगा इस वाले में। इस पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलेगा आर्टिस्ट थ्री पे करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको इसका जो आप ये देख रहे हो कहते हैं चेंज हो जाए यहाँ पर रेड, इसको आप यहाँ से हल्का सा ऑरेंज कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ से कर देंगे आप डन। इसके बाद फ्रेंड्स आपको वापस से मिक्स टूल पे जाना है। मिक्स टूल पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जैसे हमारा जो रोड है इसमें हमारा ब्लू है, तो ब्लू हम लोग जाएंगे, ब्लू को अच्छे से सेट करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो कैसी थी और कैसी ऑसम बन चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उसके बाद जाना है इस वाले पे और इसकी वैल्यू भी थोड़ी बढ़ा देनी है, बेस को थोड़ा सा घटा देना है। उसके बाद क्लैरिटी हल्की सी दे सकते हैं आप अपने फ़ोटो को, जैसी आपकी फ़ोटो है। उसके बाद फ्रेंड नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देना है, कलर नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो कैसी थी और ऑरेंज टोन में आने के बाद कैसी मतलब बहुत ही ऑसम तरीके से हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप सभी, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।